हाँ जी सर श्री अकाल जी, वेलकम टू द पंजाबी वॉन्डर स्टूडियोज़। सो आप लोगों को पता होगा कि मैंने चैनल नया शुरू करा है, द पंजाबी वॉन्डर स्टूडियोज़। दिस इज़ माई मेन चैनल, लेकिन इस पे सिर्फ ट्रैवल वाला स्टफ़ होता है। तो मेरा दिमाग में ये था कि वॉट एवर आई एम डूइंग अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल, जैसे कि एक म्यूज़िक वीडियो था, देन देयर वॉज अ साइक्लोथॉन इन गुड़गांव, उसका वीडियो था, देन देयर वॉज अ शोरूम इन लुधियाना, मैंने उसका एडवर्टीजमेंट बनाया था एक। तो ऑल ऑफ दिस स्टफ़ विल बी ऑन माई न्यू चैनल, और इस पे लिखा है FCP ट्यूटोरियल्स। सो FCP ट्यूटोरियल्स का आज हम पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो करा था, तो ये था रिसेंट एक वीडियो। ठीक है, तो आपने वीडियो देख लिया। तो इस ट्यूटोरियल में वी आर गोइंग टू गो ओवर कि वी आर गोइंग टू सी कि क्या किया मैंने इस वीडियो में, मतलब कैसे बनाया मैंने वीडियो ये। तो सबसे पहले तो देखिए यार, वैसे दिमाग में मेरे आया कि ऐसे एक आई वॉज लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, तो ऐसे गाना सुनने बड़ा ट्रिपी सा लगा, तो मैंने कहा लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। अब ये मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ था पहले कोई। अब सबसे पहले तो यार कैसे FCP, मतलब आई होप कि अगर आप ट्यूटोरियल देख रहे हो तो आपको FCP के बेसिक्स तो पता होंगे। जैसे मेरा एक लाइब्रेरी है और मैंने उसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाया। अब क्योंकि आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर इंस्टाग्राम, तो इसलिए इसकी जो डायमेंशंस होती हैं वो रखता हूँ मैं कस्टम। तो जैसे कि 1080 बाई 1280, थोड़ा सा वो वर्टिकल लुक देने के लिए। ठीक है, नाउ यू हैव दिस ब्लैंक। ओके, तो इसमें पहले हम अपना जो भी अपनी वीडियो थी दिस वन, तो ये मैंने इंपोर्ट कर ली। ठीक है, अब ये आप देख रहे हो कि लाइक दिस, इसको थोड़ा फिट करना पड़ेगा। तो फिट करने के लिए इसको, अरे यार बाद में आई हो तो, इसका हम स्केल बड़ा कर देंगे। ठीक है, अभी ये फिट आ गया पूरा। और मैंने ये रॉ में शूट करी है, मतलब डी लॉग में शूट करी है। तो डी लॉग हटाने के लिए आई हैव इफेक्ट कॉल एमलट, तो उसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है, और फिर उसके बाद ये क्लिक ऑन लोड कस्टम लट्स। तो मैंने करे हुए हैं डाउनलोड लट्स थोड़े बहुत, तो ज़्यादातर मैं ये वाला यूज़ करता हूँ डी लॉग के लिए। तो टन टन है, ये देख रहे हैं आप कलर्स कितने इम्प्रूव हो गए। अब कलर्स लाइक ये विदाउट, ये रॉ है और ये विद लट्स है, और इसमें भी यू कैन प्ले अराउंड कि आपको थोड़ा सा कंट्रास्ट ज़्यादा करना है, सेचुरेशन ज़्यादा करनी है, या जो भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो यू कैन प्ले अराउंड। तो ये हो गया हमारा वीडियो क्लिप, देन मेरा डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है गाना, तो ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, तो अपना ये पार्ट हो गया। तो मतलब जहां से आपको शुरू करना है वहां तक पहुंच गए आप। जैसे मुझे ये दिख गया कि यहाँ पे लाइक मेरा क्लिप यहाँ से शुरू हो रहा है। तो सिंपल है, इसमें शॉर्टकट होता है मैक में कमांड बी। ठीक है, तो अगर ये कमांड बी करे कट गया यहाँ से, तो मैं गाने को यहाँ ले आऊँगा और इसको डिलीट। ठीक है, अब इससे मैंने क्या करा है, पूरे के पूरे वीडियो में मैंने डिफरेंट इफेक्ट्स यूज़ करे हैं। ठीक है, कहीं पे वेव इफेक्ट है, कहीं पे अर्थक्वेक इफेक्ट है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे जंप कट्स हैं।
तो हर जगह मैंने कट्स लगाए हैं, कट्स लगाने के लिए यही है कमांड बी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बीट के हिसाब से कट्स लगा लिए, ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं जो मैंने पहले तैयार करा हुआ एक चीज़ आप लोगों के लिए। तो इसमें मैंने कट्स पहले लगा रखे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ से शुरू हुआ, से टेक्स्ट को हम बाद में देखते हैं, टेक्स्ट अभी हटा देते हैं। तो ये शॉर्टकट होता है वी, वी से यू कैन डिसेबल, ठीक है। तो देख रहे हो आप, तो मैंने क्या करा है यहाँ पे कि यहाँ पे कट लगा के बीच में गैप बना दिया है, जैसे कि इसमें दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने कट लगाया यहाँ पे, तो मैंने बीच में से स्किप थोड़ा कर दिया, थोड़ा सा मैंने क्लिप स्किप कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जंप कट्स लगा दिए, तो ये आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, थोड़ा स्किप कर गया। तो बस इसको मैंने आगे पीछे करा है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये तो हो गए सिंपल जंप कट्स। अब यहाँ पे आपने देखा था जो इफेक्ट था वेव इफेक्ट, तो इफेक्ट्स में जाके यू सर्च वेव आ गया, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ठीक है, मैंने करा हुआ है पहले। तो जैसे ये मेरे पास अभी यहाँ पे इफेक्ट्स में वेव आ गया, तो मैंने वेव कर दिया। अब वेव में लाइक अमाउंट यू कैन चेंज कि कितनी करनी है, कम ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे पास तो जो आप ये देख रहे हो कि वेव एकदम से आई यहाँ पे, फिर रुक गई, और फिर वेव मूविंग वेव, जो मूविंग वेव है, जैसे इसमें क्या होता है कि वेव एक बार डाल दिया आपने तो वो मूविंग नहीं आएगा, मूविंग के लिए यू हैव टू यूज़ कंट्रोल पॉइंट्स। अब देख रहे हो आप, जैसे इसमें मैं दिखाता हूँ आपको जो वेव की अमाउंट है, इसमें मैंने कंट्रोल पॉइंट्स लगा रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पे आप लेके आइए इसको, और यहाँ पे इसका प्लस क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें कंट्रोल पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे मैंने अभी इसका मैंने ज़ीरो रखा हुआ है अमाउंट, ठीक है। और मैं जहाँ को चाहिए कि जहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाए, वहाँ पे जाके मैंने उसको 50 कर दिया कंट्रोल पॉइंट्स, नेक्स्ट कंट्रोल पॉइंट पे मैंने उसको 50 कर दिया, ठीक है। फिर वो 50 ही रहा थोड़ी देर, ये देख रहे हो कैसे बढ़ रहा है स्लोली स्लोली, ठीक है। तो ये क्या करा है मैं इसमें करके दिखाता हूँ आपको, जैसे ये है, ठीक है, इसमें मैंने वेव इफेक्ट डाल दिया। अब जब वेव इफेक्ट डालेंगे तो ये मूविंग नहीं है उतना, ठीक है। तो मूविंग करने के लिए कैसे करना है कि यहाँ पे है अभी, तो मैंने इस पर अमाउंट पे लगा दिया कंट्रोल पॉइंट, पहले इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ, लगा दिया मैंने कंट्रोल पॉइंट। और जब मैं आगे गया, मतलब कुछ स्टेप्स आगे जाके, मैंने उसको 50 कर दिया। तो अब जो ये वेव वाला इफेक्ट है, इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0 to 50। तो ठीक है, इसके बाद वो फिर 50 रह रहा है। तो आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड विद द कंट्रोल पॉइंट्स में वेव वाला इफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ मैंने उसको इसमें वेव भी डाल दिया, और वेव तो आ गया वेव के लिए ये, ठीक है। लेकिन इसमें एक और इफेक्ट था, वो था अर्थक्वेक इफेक्ट, थोड़ा जो शेकीनेस आती है, तो ये अर्थक्वेक इफेक्ट। यहाँ पे फिर बीट चेंज हुआ, या मैंने फिर एक कट मारा, और इसमें मैंने क्या करा, इसमें मैंने वेव और अर्थक्वेक डाले, लेकिन मैंने उसकी जो अमाउंट है अर्थक्वेक की वो बढ़ा दी, ठीक है। तो अब ज़्यादा शेकी हो गया। और ये जो ऐसे वेव मूविंग दिख रही है, ये फिर वही कंट्रोल पॉइंट्स में करा है मैंने कि स्टार्टिंग में आप देखोगे तो वेव इज़ 93, और यहाँ पे आओगे तो वेव कम हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे चलते जा रहे हो तो वेव कम होता जाता है, ठीक है। तो वो कंट्रोल पॉइंट का खेल है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, जब अब इसमें मैंने कुछ और चेंज करने के लिए क्या किया, इसमें मैंने एक वेव डाल दिया, अर्थक्वेक भी डाल दिया, नहीं सॉरी वेव नहीं डाला, अर्थ वेव हटा देते हैं, अर्थक्वेक डाला, और एक अंडर वाटर करके इफेक्ट है। तो अगर मैं अर्थक्वेक नहीं डालता हूँ
तो इट्स लाइक दिस अंडर वाटर इफेक्ट है, मतलब सारे इफेक्ट आपको यहाँ पे इस टैब में यहाँ मिल जाएंगे। और प्लस मैंने इसमें अर्थक्वेक भी ऐड कर दिया थोड़ा सा और शेकी फील डालने के लिए, ठीक है। तो वो सब यार आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो। अगर आपको मतलब जितना भी कुछ भी डालना है, मसाला जितना डालना है उतना डालो, जितना काम कितना भी कर सकते हो, ये सबसे आसान चीज़ है इफेक्ट डालना है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टिल रखा, तो यहाँ मैंने क्या करा है, यहाँ मैंने इसको इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये भी सिंपल एक वो मेरे फ्लिप करके इफेक्ट है, ठीक है। तो फ्लिप कर दिया मैंने, ऐसे था उसको फ्लिप कर दिया। और जो ऐसे दिखाया ना मैंने ऐसे फ्लिकर करते हुए, वो क्या करा है कि एक एक फ्रेम पे मैंने उसको काट काट के, एक में फ्लिप इनेबल्ड है, एक में फ्लिप नहीं करा, एक में फ्लिप करा नहीं करा, फ्लिप करा नहीं करा, तो वो ऐसे आता है आपको, ठीक है। और ये वाला इफेक्ट है, ये है स्ट्रोब लाइट्स, तो इसका नाम है फ्लैशिंग, जो ये लाइट्स ऐसे आ रही हैं, ठीक है, ये फ्लैशिंग इफेक्ट है। और यहाँ थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ा दी थी इसकी, कुछ तो करना था इफेक्ट, तो इसे मैं दिखाता हूँ इसमें होगा। अरे कस्टम या, तो मैंने यहाँ पे उसकी स्पीड कर दी 20 टाइम्स, ठीक है, फास्ट कर दिया उसको। और यहाँ पे जो मैंने चीज़ करी है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, इसमें मैंने एक VHS इफेक्ट डाला है उसके ऊपर, तो ये मैंने डाउनलोड करा हुआ है ऑल वीडियो, ये मेरे पास एक इफेक्ट है या VHS इफेक्ट, ये रायन एंगल की YouTube चैनल से डाउनलोड करा है मैंने, तो दिस इज़ दैट इफेक्ट, ठीक है। तो बस ये डाला है मैंने उसमें, यू कैन प्ले अराउंड विद ऑल दीज फैक्टर्स, तो ये लगा डिस्टॉर्शन। अब ये गायब कैसे हो गया, तो गायब में मैंने क्या करा है, मैंने इस पर डाला है इफेक्ट एक विच इज़ कॉल्ड स्क्रेप इफेक्ट, ठीक है। तो स्क्रेप इफेक्ट करके मैंने उसको सिंपल इफेक्ट, ठीक है, स्क्रेप इफेक्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा है इस पर, अब यहाँ पे जब मैं वापस लेके आया हूँ उसको, तो ये मैंने क्या करा है कि ओके, ये थोड़ा सा मैंने फालतू में कम्प्लेक्स करा है, तो मैंने ओके, तो मैंने क्या करा है कि सेम क्लिप की कॉपी बनाई, दो कॉपीज बनाई, इसके ऊपर मैंने एक ड्रॉ मास्क भी अप्लाई करा, ठीक है। तो ड्रॉ मास्क भी एक इफेक्ट होता है, ड्रॉ मास्क मैंने इस पर डाला। अब ड्रॉ मास्क डाला तो आई ड्रॉन ऐसे कि इतना वाला पार्ट दिखे। ड्रॉ मास्क में क्या होता है कि यू कैन चूज़ कि तुम्हें कितना पार्ट दिखाना है उस क्लिप का, तो मैंने इस क्लिप के ऊपर ये दिखाता हूँ, ये मैंने ड्रॉ मास्क लगाया है, और मैंने ऐसे कंट्रोल पॉइंट्स बना बना के मतलब इतना पार्ट चूज़ कर लिया, ठीक है। एक्चुअली जो आप चूज़ करोगे उतना दिखेगा, ठीक है, उस क्लिप में से। और इस क्लिप में मैंने थोड़े से इफेक्ट लगा लिया, जैसे थोड़ा सा कलर वलर मैंने उसका चेंज कर दिया। तो कलर चेंज कैसे करा है मैंने, एक तो इस पर मैंने वही वाला VHS इफेक्ट डाला इफेक्ट, ठीक है, ये वाला VHS इफेक्ट, प्लस मैंने इसका तरह से कलर व्हील्स उसमें लगा के ना उसका थोड़ा टिंट बढ़ा दिया, और ये सब मतलब आई हैव प्लेड विद दिस। तो ये देखो, जैसे अगर मैं जो इसको मैंने ग्रीन से पिंक कर दिया है, तो वो मैंने ह्यू चेंज करा है उसका, टिंट चेंज करा है, टेम्परेचर चेंज करा है, तो जैसे इसको हटा दूंगा तो इट विल बी ग्रीन अगेन, बट मैंने थोड़ा सा अभी मतलब कुछ भी यार ऐसे ही खेलने के लिए कुछ भी कर दिया। तो या दिस इज इट। अब पहले मैंने कह रहा था, पहले मैंने पूरी क्लिप करा था ये वाला इफेक्ट जो पिंक पिंक दिखने वाला, फिर मैंने कहा कि नहीं, जैसे गायब हुआ है तो सॉरी, इस पर मैंने वो स्क्रेप इफेक्ट दोबारा एनेबल करना भूल गया मैं, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ठीक है, तो गायब हो गया हमारा। अब मैं कहा जब उसको लेके आना है तो थोड़ा सा शेक,
और थोड़ा सा रंग वंग डाल दिया उसमें, और इसको मैंने मास्किंग से करा है, ठीक है, जो कि सिर्फ इसमें पिंक दिख रहा है, पूरी क्लिप नहीं पिंक दिख रही, सिर्फ ये पिंक दिख रहा है क्योंकि मैंने ही दो क्लिप्स रखे हैं। जैसे अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये सिंपल क्लिप है नीचे, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, इसमें मैंने उसका स्क्रिप्ट जो ये इफेक्ट था स्क्रिप वाला, वो मैंने हटा दिया, तो यहाँ गायब था वो ऊपर वाला पहाड़ और यहाँ पे आ गया बिकॉज ऑफ द स्क्रिप इफेक्ट। लेकिन इसमें जो कलर और वो शेक लाना था, तो मैंने इसकी कॉपी बनाई, इसके ऊपर डाली ऐसे ही, और उसमें मैंने मास्किंग करके ये कर दिया, ठीक है। तो यार मतलब ये ऐसे ही मैंने जस्ट ट्रायल की FCP ट्यूटोरियल बनाने का मेरा ऐसे ही मन था कि चलो शुरू करते हैं। तो हाउ डिड यू लाइक इट, लेट मी नो। अब यार आई डोंट नो कि एडोब यूज़ करने वाले लोगों को, जो विंडोज़ वाले लोग हैं, उनको कितना हेल्पफुल लगा, या फिर जो FCP भी करते हैं काम, उनको कितना हेल्पफुल लगा कि कुछ मैंने चीज़ें मिस कर दी या कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई ऐसे, लाइक आपको नहीं समझ आया कुछ, चला गया ऊपर से निकल गया सर के ऊपर से ही। तो लेट मी नो इन दी कॉमेंट्स। बाकी अगली वीडियो आ रही है अंडमान से, तो आई एम गोना स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।